हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद दैट ट्रांस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पीएलसी की बेसिक प्रोग्रामिंग डिस्कस की थी, जिसमें हमने गेट्स बनाए थे, एंड गेट और गेट। ठीक है, तो अब हम लोग उस चीज़ का हमने कॉपी में बना के देखा था वो चीज़, लेकिन अब हम उसको ऐप में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक एप्लीकेशन के थ्रू वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसा हमें रियल पीएलसी में जब हमारे पास किट होती है तो जैसे करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग ऐप में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने लिंक दी थी उस ऐप की। तो ये है आपका पीएलसी लैडर सिमुलेटर, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ये आप जब सर्च करेंगे तो एक ग्रीन कलर का देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए, मैं आप ये आ गया था। तो इसमें पीएलसी लैडर सिमुलेटर ये है ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, तो आप यहाँ पे नोटेशन पीएलसी नोटेशन वन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आपका ये बेसिक बन के आ गया। ठीक है, अब आपको इसको एडिट करना है और इसमें एंड गेट बनाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंड गेट को एक लाइन में डिफ़ाइन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कॉपी पर लिख लीजिए कि एंड गेट में दोस्तों क्या होता है। एंड गेट में अगर आप एंड गेट के दोनों इनपुट पर वन देंगे तो ही आपका आउटपुट वन आएगा। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट वन देने पर ही आउटपुट वन आता है। और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी इनपुट आपका वन है तो आउटपुट आपका वन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में ही ये देख लिया था कि दो सीरीज़ में नॉर्मली ओपन स्विच अगर लगे हों तो वो एंड गेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी हम वही करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ और मैं नॉर्मल मोड में करता हूँ इसको, नोटेशन वन में। अब देखिए, मैं करता हूँ कुछ लैडर एडिटर। ठीक है, लैडर एडिटर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ऊपर में प्लस का साइन आ रहा है, उस पर क्लिक किया और मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें काउंटर टाइमर है। ठीक है, काउंटर टाइमर यूज़ होता है, एक तरह से टाइमर यूज़ होता है आप अगर डिले देना चाह रहे हो, काउंटर किसी चीज़ को काउंट करने में यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बेसिक पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर ही सारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट वगैरह आते हैं, कॉइल अगर आपको आउटपुट देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ पर एक क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए, पहला जो इनपुट है उसका नाम दिया है i0.0, सेकंड इनपुट का नाम मैं दे देता हूँ i0.1। ठीक है, ये मैंने दे दिया और ओके कर दिया, तो ये आपका अटैच हो गया यहाँ पर। और आप देख रहे हैं, अब इसको हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के लिए बिल्कुल कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको तीन वो दिखेंगी डॉट, तो आप इसमें क्या कीजिए, एग्ज़िट एडिटर। ठीक है, अब हमें एडिट नहीं करना और अब प्रोग्राम को रन कराना है। तो ये जो वीडियो को जैसे ऑन करने का बटन आता है वैसे ही इस पर क्लिक किया और अब आपका ये आ गया पीएलसी की तरह। अब आप देखिए, मेरे पास दो इनपुट हैं, एक i0.0 और एक i0.1। अगर मैं किसी एक इनपुट को प्रेस करता हूँ, मान लीजिए i0.1 को प्रेस किया, ठीक है, तो भी आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर i0.1 को प्रेस किया तो भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। मैंने बताया था एंड गेट में दोनों इनपुट को वन करने पर ही आउटपुट आपका वन आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों इनपुट को वन कर देता हूँ, तब देखिए आपको आउटपुट मिल गया। देखिए LED ग्लो कर गई येलो कलर की, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो फिर एक बार ट्राई करते हैं। देखिए 01, देखो 00 कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, 10 पे भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, 01 पे भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा और 11 पे आपको आउटपुट मिल गया, LED ग्लो कर गई। ठीक है, तो ये आपका एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है और गेट का इम्प्लीमेंटेशन। ये बीच बीच में ऐड आती हैं क्योंकि ऐप फ्री है तो वो कुछ ना कुछ ऐड तो देगी ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, नॉर्मल मोड में हम करते हैं नोटेशन वन में। अब हमको पैरेलल में एक नॉर्मली ओपन स्विच को जोड़ना है, तो कैसे करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे तो है ही हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, लैडर एडिटर में जाएंगे, प्लस का बटन दबाएंगे
और एक पैरेलल मैट्रिक करना है तो ऐट सब रंग आता है, देखो फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया वो ऐट सब रंग जो होता है ना, तो ये इससे क्या होता है पैरेलल पाथ मिल जाता है आपको। अब यहाँ पर मुझे एक नॉर्मली ओपन स्विच लगाना है, क्योंकि और गेट में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पैरेलल में दो स्विच बनते हैं, ठीक है, तो वो और गेट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर मुझे एक और प्लस करके बेसिक में जाके एक नॉर्मली ओपन स्विच ले लेता हूँ, और जहाँ पर मुझे लगाना है वहाँ पर क्लिक करता हूँ। फिर मुझे नोटेशन देनी है, मैंने नोटेशन आई 0.1 दिया, ठीक है, ओके किया, अब ये आ गया। अब ये देखते हैं हम लोग क्या ये चीज़ जो है जो मैंने बनाई है वो और गेट की तरह काम करती है। अब हम लोग एग्जिट एडिटर करते हैं और इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए जो वीडियो को ओपन करने का आता है वही साइन है यहाँ पर। अब देखिए कोई भी एक भी इनपुट अगर मेरा 1 है तो मेरा आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों इनपुट 0 हैं, I0.0 और I0.1 में से मैंने किसी को प्रेस नहीं किया हुआ, तो आपका आउटपुट 0 आ रहा है, कोई भी LED ग्लो नहीं कर रही, आप देख रहे होंगे। LED का क्या एड्रेस दिया हमने 0.00.0, ठीक है। अब करके देखें, एक भी आउटपुट को बंद करो, इनपुट को बंद करो, एक भी इनपुट को बंद करो, पहले I0.1 को बंद किया तो भी LED ग्लो कर गई, फिर I0.1 को प्रेस किया तो भी LED ग्लो कर गई, और दोनों को भी किया तो भी आपकी LED ग्लो कर गई, मतलब आपको आउटपुट मिल गया। तो ये आपका है और गेट का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इस ऐप के थ्रू आप बना सकते हैं, और आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाइए, और मेरे हिसाब से आपको अब बनाना चाहिए मेरे एक्सोर गेट, आप एक बार बना के इसमें ट्राई कीजिए, ठीक है। मैंने जितना बता रखा है पहली वीडियो में, तो उसके हिसाब से आप और एक्सोर गेट को भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप बना के देखिए, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सोर गेट के बारे में बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।